अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भारत माता के, भारत माता के विद्यार्थी, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रशक्ति राष्ट्रशक्ति, नेशन पावर, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रागिनी नहीं चाहिए नहीं किसी से करने वाले, अरे हम छात्र हैं पढ़ने वाले नहीं किसी से करने वाले, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो बंद करो, भारत माता की जय। इधर देखना, बोलो बोलो, भारत माता के जय, भारत माता के जय, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सर साइन करवा लो छात्राओं के सभी के, करवा लो इसके पीछे साइन कर दो आपके सबके, छात्रा साइन कर दो, दे देना अति शीघ्र प्रारंभ करने का पापी महोदय, अभावित प्रांत अभावित मानव प्रांत में छात्रवृत्ति संबंधी विभिन्न समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता है। महोदय, विगत 6 माह से छात्रवृत्ति का पोर्टल ठप होने के कारण प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी आज छात्रवृत्ति संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, आवास भत्ता, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना का लाभ मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का छात्र विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति संबंधित योजनाओं के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, अब उन विद्यार्थियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संबल पोस्ट मैट्रिक जैसी छात्रवृत्ति योजना जिस कारण व्यवस्थाओं के प्रति विद्यार्थी समुदाय का विश्वास भी घटता जा रहा है। महोदय, आपसे विनती है कि छात्र हित में निर्णय कर तत्काल प्रभाव से छात्रवृत्ति के सभी पोर्टल प्रारंभ करें व गत वर्ष की लंबित छात्रवृत्ति का लाभ भी अतिशीघ्र विद्यार्थी को प्रदान करें। ऐसा करने से हजारों गरीब मध्यम वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पाने अवसर मिल पाएगा। महोदय, JDC कॉलेज अध्यक्ष, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया और क्या मांगे आपकी? हमने ज्ञापन इसलिए दिया क्योंकि विगत 6 माह से जो छात्रवृत्ति से रिलेटेड जितने भी पोर्टल हैं वो सारे बंद कर दिए गए, ठप कर दिए गए हैं। उसके चलते आज JDC महाविद्यालय की समस्त छात्राओं द्वारा प्राध्यापक को ज्ञापन दिया गया और उच्च शिक्षा मंत्री को अवगत कराया गया। अभी आपकी प्राध्यापक चर्चा हुई तो उन्होंने क्या बोला आपको और क्या आश्वासन दिया? अभी उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो आज ही उच्च शिक्षा मंत्री से इस सिलसिले में बात करेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक मिश्रा है, मैं नगर विद्यालय सह प्रमुख। आज किस विषय को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देवास द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल विगत 6 माह से बंद पड़े हुए, इस विषय में देवास द्वारा प्रांत व्यापी ज्ञापन KP कॉलेज में दिया गया है। इस ज्ञापन में 6 माह से बंद पड़े छात्रवृत्ति का कुछ पोर्टल है, जैसे गांव की बेटी है पोस्ट मैट्रिक के,
इन सभी प्रकार के पोर्टल सीमा से बंद पड़े, इस विषय में हमने विद्यार्थी परिषद देवास द्वारा केपी कॉलेज में उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। ये जिले भर में और भी कई ज्ञापन दिए गए क्या? ये मालवा प्रांत का प्रांत व्यापी ज्ञापन है, जो देवास जिले और अन्य सभी जिलों में ये ज्ञापन, एक सरी का ज्ञापन सभी जिलों में दिया गया है। आपका नाम? अमन चौहान, नगर मंत्री, एबीवीपी देवास। आई शादा, केपी कॉलेज इकाई मंत्री।